वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव यानी कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कब होंगे। तो आपको बता दें कि 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव संपन्न हो सकते हैं 294 सीटों पर। इसी के साथ कौन सी डेट को होंगे और कौन से महीने में होंगे ये आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और हाँ दोस्तों, इसमें से पार्टियां हैं BJP, TMC, CPM, कांग्रेस और अन्य, इनमें से कौन मारेगा बाजी, इस अपडेट को लेकर हम आपके सामने आज हाजिर हुए हैं। तो आपको बता दें पश्चिम बंगाल में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसमें से शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी के बारे में जानकारी दी है। राज्य में इस बार विधानसभा चुनाव 8 चरणों में संपन्न होंगे और पहले चरण की अधिसूचना 2 मार्च को जारी होगी। वहीं पहले चरण में 30 सीटों पर 27 मार्च को मतदान होगा और इसी के साथ दूसरे चरण में 30 सीटें हैं और अधिसूचना 5 मार्च को 1 अप्रैल को वोटिंग होगी। और तीसरे चरण में 31 सीटें हैं जिसमें से अधिसूचना 22 मार्च को और 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। और चौथे चरण में 44 सीटें जिसमें अधिसूचना को 5 मार्च को होगी और 10 अप्रैल को वोटिंग होगी। और पांचवें चरण में 45 सीटें जिसमें अधिसूचना 23 मार्च को और 17 अप्रैल को वोटिंग होगी। और छठे चरण में 43 सीटें और अधिसूचना 26 मार्च को और 22 मार्च को इसमें वोटिंग होगी। और सातवें चरण में 36 सीटें और अधिसूचना 31 मार्च को और 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। और आठवें चरण में 35 सीटें और अधिसूचना 31 मार्च को और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। और साथ ही आपको बता दें राज्य में वोटों की गिनती 2 मई को होगी और पहले चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर चुनाव होने में पुरुलिया की सभी 9 सीटों पर, बांकुरा की 4 सीटों और झारग्राम की सभी 4 सीटों पर, पश्चिम मोदिनापुर की 6 सीटों पर, पूर्वी मोदिनापुर की 7 सीटों पर मतदान होगा। और इसके अलावा आपको चुनाव आयोग में असम, केरल और तमिलनाडु और पांडुचेरी में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की बुधवार को हो चुकी है, जिसमें से आयोग में अधिकारियों की अहम बैठक हुई थी और जिसकी अध्यक्षता में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने भी की थी। और कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर कई चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए इस बार कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। यह मुख्य टक्कर BJP और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच है। और वहीं 2014 में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें जीतने वाली BJP 2019 में लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किए हैं और 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें जीती हैं। और वहीं पर दोस्तों 2014 में 42 सीटों में से 34 सीटें जीतने वाली TMC को 2019 में सिर्फ 22 सीटें मिली थी। और 2016 में पश्चिम बंगाल में 4 अप्रैल को और 5 मई के बीच 6 चरणों में चुनाव कराए गए थे। वहीं नहीं, आपको और बता दें कि कुल पश्चिम बंगाल की सीटें हैं 294, जिसमें से साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में TMC को 2011 में लेफ्टो को 33 और कांग्रेस को 44 और BJP को मात्र 3 सीटें मिली थी। हालांकि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में BJP में शानदार प्रदर्शन किया और TMC ने जहां 43.3% वोट शेयर हासिल किया, वहीं BJP को 40.3% वोट मिले। BJP में कुल 2,30,28,343 वोट मिले, जबकि TMC को 2,47,56,985 मत मिले। इसी के साथ दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, तो पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से किसको मिलेगी कितनी सीटें, TMC, BJP, CPIM, कांग्रेस और अन्य, इनमें से कौन मारेगा बाजी। अभी तक आपने अपने चैनल ELS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट से आप अपडेट रह सके इसी तरह अपने फोन पर। तो चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पहले राज्य के बारे में। तो दक्षिण 24 परगना में कुल विधानसभा सीटें हैं 31, जिसमें से BJP खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती है और TMC खाते में 15 विधानसभा सीटें और CPIM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर जिला। उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 9, जिसमें से BJP खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और TMC खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है और CPIM के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है कूचबिहार जिला। कूचबिहार में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 8, जिसमें से BJP खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और TMC खाते में 7 विधानसभा सीटें और CPIM के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के हमने 294 सीटों में से 48 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से BJP खाते में 17 विधानसभा सीट जा सकती है और TMC खाते में 29 सीटें और CPIM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है कोलकाता जिला। कोलकाता में कुल विधानसभा सीटें हैं 11, जिसमें से BJP खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और TMC खाते में 5 सीटें और CPIM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती हैं। इसी के साथ बात की जाए जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों के बारे में। तो BJP खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और TMC खाते में 7 सीटें जा सकती हैं और CPIM के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो BJP खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और TMC खाते में 5 सीटें और CPIM के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है नादिया जिला। नादिया में कुल विधानसभा सीटें हैं 15, जिसमें से
बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 3 विधानसभा सीटें और सीपीएम के खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात करते हैं पश्चिमी मदीनापुर जिले की 15 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 9 सीटें जा सकती है और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पुरुलिया। पुरुलिया में कुल विधानसभा सीटें हैं 9, जिसमें से बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और टीएमसी खाते में 2 विधानसभा सीटें और सीपीएम के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने कुल पश्चिम बंगाल की सीटों की बात कर ली है। 111 जिसमें से बीजेपी खाते में 45 विधानसभा सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 60 सीटें और सीपीएम के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए, तो अगला जिला है पूर्व मदीनापुर जिला। पूर्व मदीनापुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 16, जिसमें से बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और टीएमसी खाते में 9 विधानसभा सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीटों के बारे में बात की जाए, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 7 विधानसभा सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो बीरभूम जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 11, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 10 सीटें और सीपीएम के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए, तो अगला जिला है मालदा जिला। मालदा में कुल विधानसभा सीटें हैं 12, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 8 विधानसभा सीटें जा सकती है और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए, तो मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 15 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और टीएमसी खाते में 4 विधानसभा सीटें और सीपीएम के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती है और सीपीएम के खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने 201 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से पश्चिम बंगाल में बीजेपी खाते में 78 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और टीएमसी खाते में 109 सीटें और सीपीएम के खाते में 9 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं हावड़ा जिले की 17 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 8 विधानसभा सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में भी 8 विधानसभा सीट जा सकती है और सीपीएम के खाते में 1 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और टीएमसी खाते में 9 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और सीपीएम के खाते में 1 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है और टीएमसी खाते में 9 विधानसभा सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो पश्चिम वर्धमान जिले में 9 विधानसभा सीटें दी गई हैं, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और टीएमसी खाते में 7 विधानसभा सीटें, वहीं सीपीएम के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने पश्चिम बंगाल की 245 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 95 सीटें जा सकती हैं और टीएमसी खाते में 133 सीटें और सीपीएम के खाते में 11 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए, तो अगला जिला है दक्षिणी दिनाजपुर जिला। दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और टीएमसी खाते में भी 3 विधानसभा सीट जा सकती हैं और सीपीएम के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं क्लिंगपोंग जिले की 1 विधानसभा सीट के बारे में, तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती हैं और टीएमसी खाते में 1 विधानसभा सीट और सीपीएम के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं झाड़ग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 4 विधानसभा सीटें और सीपीएम के खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने 256 सीटों की विधानसभा की बात कर ली है, जिसमें से पश्चिम बंगाल में बीजेपी खाते में 98 सीटें जा सकती हैं और टीएमसी खाते में 141 सीटें और सीपीएम के खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए, तो अगला जिला है अलीद्वारपुर जिला। अलीद्वार में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और टीएमसी खाते में 1 विधानसभा सीट और सीपीएम के खाते में 0 सीट जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती हैं। इसी के साथ अगले लास्ट फाइनल जिले की बात की जाए, तो उत्तर चौबीस परगना जिले में कुल विधानसभा
सीटें हैं 33, जिसमें से बीजेपी खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और टीएमसी खाते में 16 विधानसभा सीटें और सीपीएम के खाते में एक सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी एक सीट और अन्य खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर हमने कुल पश्चिम बंगाल की 294 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो वहीं पर बीजेपी खाते में 116 विधानसभा सीट जा सकती है और टीएमसी खाते में 158 सीटें और सीपीएम के खाते में 12 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीट जा सकती है और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। तो इसी के साथ आज के ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल के समाप्त हो चुके हैं। तो आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है इसमें से, टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस और अन्य, इनमें से आपकी जो भी फेवरेट पार्टी हो उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ विराम करते हैं वीडियो को आज यही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय जवाहर, वंदे मातरम, जय किसान।